जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान इन दिनों रशिया में अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में रशिया से सलमान खान का ये लुक भी सामने आया था, जिसमें वो बड़ी बड़ी बियर्ड और मूंछों में दिख रहे थे। हालांकि जब से सलमान रशिया क्या पहुंचे, वहां तो माहौल ही बदल गया है। रशिया में सलमान के आने के बाद वहां के लोगों में ऐसी दीवानगी और पागलपन छा गया है कि टाइगर 3 के सेट पर लोग भाईजान के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं और सलमान भी दनादन फैंस के साथ सेल्फी क्लिक करवा रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान के फैन पेज से उनका एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें उन्हें अपने फैन के साथ सेल्फी के लिए पोस्ट देते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में सलमान बर्गंडी कलर की फुल टी शर्ट और कैप में दिख रहे हैं। वो अपने फैंस के साथ सेल्फी के लिए पोस्ट कर रहे हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। इतना ही नहीं, अब रशिया से एक के बाद एक कई पिक सामने आ रही हैं, जिसमें फैंस सलमान के साथ सेल्फी क्लिक करवा रहे हैं, यानी सलमान भी बड़े प्यार से अपने फैंस की डिमांड पूरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि टाइगर 3 में सलमान और कैटरीना के अलावा इमरान हाशमी भी हैं और ये पहली बार होगा जब इमरान सलमान के साथ किसी फिल्म में दिखाई देंगे। यही नहीं, इमरान अपने सालों के एक्टिंग करियर में पहली बार यशराज फिल्म की किसी फिल्म में दिखेंगे और टाइगर 3 में इमरान विलन के रोल में नजर आएंगे। जैसा आपको बता दें कि ऐसी चर्चा थी कि यशराज ने सलमान, कैटरीना, डायरेक्टर मनीष शर्मा, पूरी कास्ट और क्रू के सभी मेंबर्स के लिए इंटरनेशनल स्केड्यूल के लिए एक जेट हायर किया, जो टीम को उस शानदार शूटिंग स्केड्यूल को पूरा करने में मदद करेगा। बताया जा रहा है कि आदित्य और मनीष महामारी के बावजूद फिल्म के पैमाने पर समझौता नहीं करना चाहते और उन्होंने टाइगर 3 को एक शानदार नाटकीय अनुभव बनाने की योजना बनाई है। इस प्रकार ये स्केड्यूल फिल्म में बहुत कुछ जोड़ देगा और पहले कभी ना देखे गए एक्शन सीन्स को फिल्माएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।